थोड़ा सा इससे ऊंचा सेमी लिफ्ट लाइनर, वो होता है इससे थोड़ा सा ऊंचा, यहाँ से बिल्कुल ऊंचा उठा हुआ लाइनर। ये वाली जो लाइन है ना हमारी आईज की लाइन, यहाँ पे हमें पूरी लाइन जो है वो लगानी है लाइक दिस, इस तरह से खींचना है और सीधा इस लाइन के साथ मिला देना है। इसको अप्लाई करूंगी अपनी टूथ पिक के यहाँ कॉर्नर पे, यहाँ पर आप इस तरह से लाइन लगाओगे। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ विंग लाइनर लगाने का बहुत ही आसान मेथड, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे लड़कियों को इश्यूज आते हैं कि उनसे लाइनर नहीं लग पाता आईज पर और विंग जो है वो ऊंचा नीचा हो जाता है। तो आज की मेरी वीडियो देखने के बाद आप परफेक्ट विंग लाइनर जो है वो लगा सकोगे। अच्छा, यहाँ पर जो लाइनर मैं यूज करने वाली हूँ वो है मिस रोज का मार्कल आईलाइनर। ये आप लोगों ने देखा होगा अक्सर वीडियोस में, ये मिस रोज का प्रोडक्ट है और इतना जबरदस्त मार्कल लाइनर है ना, मैंने आज से पहले जितने भी लाइनर्स यूज किए हैं ना वो ऐसा होता है कि 2 से 3 बार यूज होते हैं और खराब हो जाते हैं, लेकिन इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये मैं तकरीबन 15 से 20 लोगों को अप्लाई कर चुकी हूँ, अभी तक भी ये बिल्कुल जो है वो न्यू है और बिल्कुल ईजिली अप्लाई हो जाता है। और इसके साथ जो मैं हेयर का यूज करने वाली हूँ ना वो है मेरे पास टूथपिक, जो कि आपको पता है हम टीथ क्लीन करने के लिए यूज करते हैं खाना खाने के बाद। और इसके अलावा मुझे यूज करना है यहाँ पर बर्ड स्टिक्स का भी आप लोगों को पता होगा, क्यू टिप भी बोलते हैं इसको, ये भी आप लोगों के पास अवेलेबल होगी, नहीं तो बहुत ही कम प्राइस में ये आपको किसी भी स्टोर से मिल जाएंगे चीजें। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो लाइनर लगाने का जो सबसे ज्यादा मेन स्टेप होता है ना वो होता है आपकी अपर लैश लाइन के साथ साथ लाइन लगाना, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर अभी लगा के दिखाऊंगी। अपर लैश लाइन के साथ साथ लाइन जो है वो लगती है कुछ इस तरह से। इसके लिए आपको ख्याल रखना होता है कि आपकी आईज जो है वो किस टाइप की है, कुछ लोगों की आईज जो है वो बहुत ज्यादा छोटी होती है तो उस आईज पर आप जो है ना बहुत थिक टाइप वाली लाइन नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ लोगों की आईज बड़ी होती है, जैसा कि मेरी मॉडल की आईज बड़ी है, आईज खोल के दिखाओ, ठीक है, इनके आईज के ऊपर अगर हम थिक वाली लाइन भी लगाएंगे ना तो वो लग जाएगी, कोई इश्यू नहीं होगा सच, ठीक है। सो यहाँ पर जो मेन हमारा स्टेप था वो था हमारी इस अपर लैश लाइन के साथ साथ इस लाइन को ड्रॉ करना, ठीक है। अब जब हमने विंग लाइनर अप्लाई करना है तो एक तो कॉन्सेप्ट होगा हमारे जहन में कि हमने लाइनर को मोटा लगाना है या हमने लाइनर को पतला लगाना है अकॉर्डिंग टू माई क्लाइंट आईज या माई मॉडल आईज। सो आईज के अकॉर्डिंग आपको खुद को पता होगा कि आपने किस टाइप का लाइनर लगाना है। यहाँ पर मुझे थोड़ा थिक टाइप का लाइनर लगाना है विंग में, तो मैं इसी लाइन को फॉलो करते हुए इसको थोड़ा जो है वो थिक करूंगी लाइन को इस तरह से। अब यहाँ पर आपने जो है ना बहुत इजीली और छोटे छोटे स्ट्रोक में जो है ना वो लाइन को ड्रॉ करना है, क्योंकि आपको पता है कि जो मार्कर लाइनर होता है ना इसको हैंडल करना जो है ना वो ज्यादा आसान होता है बाकी लाइनर्स की निस्बत, क्योंकि ये बिल्कुल पेन की तरह होता है, जैसे आप पेंसिल्स या पेन यूज करते हो ना बिल्कुल वैसे होता है ये, तो इसके साथ आपको कोई ऐसा डिफिकल्टी जो है वो पेश नहीं आएगी। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि लाइनर्स की लाइन जो है वो बहुत अच्छे से लग चुकी है, आईज खोल के दिखाओ, ठीक है, बहुत अच्छे से हमने जो है बहुत नीटली एक लाइन अप्लाई कर ली है। अब हम यहाँ पर जो है वो विंग बनाएंगे इनर कॉर्नर पर, इस तरह से हमें इस लाइन को थोड़ा सा नीचे वाली साइड पर खींचना है और हमें इस टीयर डॉट को इसके साथ मिला देना है। अच्छा, ये जो इनर कॉर्नर है ना ये बहुत कंपल्सरी नहीं है, अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा लो, नहीं तो कोई मसला नहीं है। अब जो मेन इश्यू है ना वो आता है हमारा विंग बनाने में कि हमने विंग किस तरह से बनाना है, आईज को थोड़ा सा ऐसे टर्न करो। अच्छा, यहाँ पर जब हमें विंग बनाना होता है ना तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं कि विंग जो है वो हमारा सही से बन नहीं पाता, समझ नहीं आ रही होती कि हमने लाइनर को किस तरह से उठाना है या किस तरह से जो है वो कितना टाइप का विंग लगाना है, या फिर एक आईज पर लग भी जाता है तो दूसरी आईज पर विंग बनाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है हम लोगों को। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम जो लाइनर लगा रहे हैं उसका विंग जो है ना वो आपने किस टाइप का बनाना है। एक होता है स्ट्रेट लाइनर, जैसा कि आप यहां से इसको बिल्कुल सीधा ले जाओगे, ठीक है, एक होता है लिफ्ट लाइनर, वो होता है थोड़ा सा इससे ऊंचा, एक होता है सेमी लिफ्ट लाइनर, वो होता है इससे थोड़ा सा ऊंचा, और एक होता है हाई लिफ्ट लाइनर, यहां से बिल्कुल ऊंचा उठा हुआ लाइनर, ठीक है, ये 4 टाइप के लाइनर्स होते हैं। अब आपने इन 4 कॉन्सेप्ट को अपने जहन में रखना है, आपको पता होना चाहिए कि आप जो लाइनर अप्लाई कर रहे हो वो किस टाइप का है, किस टाइप का है, उस आईज पर सूट करेगा या नहीं करेगा। अब आपने इन 4 कॉन्सेप्ट को अपने जहन में रखना है, इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखे जब आप दोनों आईज पे लाइनर लगाओगे बिल्कुल एज इट इज लगेगा, मतलब अगर आपको पता है कि आप हाई लिफ्ट लाइनर लगा रहे हो तो ऑब्वियसली आप उतनी ही तिरछी लाइन उठाओगे जितनी आपने यहाँ पे उठाई थी, क्योंकि आपको पता है कि आप हाई लिफ्ट लाइनर लगा रहे हो। एंड एक बात और मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि जो स्ट्रेट लाइनर है ना वो स्ट्रेट इसलिए उसको बोला जाता है क्योंकि वो हमारे इस आई के कॉर्नर से, आईज खोलो, आईज के कॉर्नर से बिल्कुल स्ट्रेट होता है इस तरह, और जो हाई लिफ्ट लाइनर है ना वो हमारी आईब्रो जहाँ खत्म होती है ना उतना तिरछा होता है, इससे ज्यादा ऊंचा लाइनर आपने नहीं लेके जाना, आपने अपनी आईब्रो की लेंथ को जो है ना वो अपने माइंड में रख के फिर लाइनर अप्लाई करना है। अब हम इसको जो है ना वो थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम जो है वो यहाँ पर लाइनर अप्लाई करेंगे।
अभी जी यहाँ पर मैं सीलर वाटर यूज करने वाली हूँ, जिसको मैं अपने क्यूटिप पर इस तरह से अप्लाई करूंगी, ठीक है। और फिर मैं इसके साथ जो मैंने ये लाइन अप्लाई की थी इनको क्लीन करूंगी, क्योंकि ये मैंने आपको समझाने के लिए लगाई थी। इसको आपको जो है ना वो क्लीन करना है ऑब्वियसली, तो हम इसको बहुत अच्छे से क्लीन कर देंगे और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने विंग किस तरह से बनाना है। अच्छा जी, तो अभी लेट्स सपोज मैं यहाँ पर हाई लिफ्ट लाइनर लगाने वाली हूँ, तो हमें क्या करना है, आइज खोलो, हमें ये वाली जो लाइन है ना हमारी आईज की लाइन, यहाँ पे हमें पूरी लाइन जो है वो लगानी है लाइक दिस। यहाँ तक हमें जो है ना वो इस लाइन को ले आना है, जहां पर आपकी आईज खत्म होती है ना, यहाँ तक आपने इसको ले जाना है। आप इसको इससे नीचे भी ला सकते हो, जैसा कि आपको पता है कि काशीज लाइनर आजकल बहुत ज्यादा जो है वो यूज किया जाता है, मतलब प्रोडक्ट नहीं वो टेक्निक यूज की जाती है, वो बहुत खूबसूरत लगती है, उससे आपकी आईज जो है वो बहुत अच्छी लग रही होती है। तो वो इस टाइप का ही लाइनर होता है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ से ही विंग उठा देते हैं। आपने यहीं से विंग नहीं उठाना, यहाँ से भी विंग आप उठा सकते हो अगर आप छोटा सा विंग बना रहे हो, लेकिन अगर आपको हाई विंग लाइनर लगाना है या फिर आप थोड़ा मॉडल लुक की तरफ जा रहे हो, तो आपने जो है ना लाइन को थोड़ा नीचे की तरफ लेके आना है इस तरह से। अभी आप देखो कि जब मैं इस लाइन को यहाँ से नीचे की तरफ ले आई हूँ तो कितना ज्यादा इस लाइन में इजाफा हुआ है, इतना इतना, इससे आपकी आंख जो है ना वो और ज्यादा वाइड लगेगी। अब क्या करेंगे, अब हमें यहाँ से इस कॉर्नर से इसको उठाना है इस तरह से, और अपने आईब्रो का जो आपका लास्ट है ना उतना तिरछा आपने इसको उठाना है इस तरह से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं जो है ना वो हाई लिफ्ट लाइनर लगा रही हूँ, तो हम इसको इस तरह से ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इस लाइन को हमें मिलाना है हमारे इस लाइन के साथ, जो कि मैंने अपर लैश लाइन के साथ साथ अप्लाई की हुई थी, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होगी। अब आपने क्या करना है, अपने अपनी आईज को यहाँ से और यहाँ से स्ट्रेच कर लेना है, और आपने इस लाइन को इस तरह से खींचना है और सीधा इस लाइन के साथ मिला देना है इस तरह से। ये बहुत ही ज्यादा आसान मेथड है लाइनर अप्लाई करने का, और अगर आप बिगिनर हो आपको सिर्फ एक से दो बार प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, तीसरी बार आप परफेक्ट लाइनर लगाओगे। और अगर आपका इंटरेस्ट है मेकअप में, तो मेरे ख्याल से आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बहुत अच्छा सा लुक जो है वो क्रिएट कर लोगे। और यहाँ पर हमें इस कॉर्नर को जो है, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा थिक है या फिर कॉर्नर नहीं बना हुआ, तो आप इसको थोड़ा सा इस तरह से बारीक कर लोगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक इम्पोर्टेंट टिप शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपका हाथ बहुत ज्यादा शेकी है, ब्रश के साथ विंग नहीं लग पाता, तो आपको एक टूथपिक चाहिए, और टूथपिक के ऊपर आपने जो है ना वो लाइनर अप्लाई करना है। जैसा कि यहाँ पर मेरे पास ये वाला लाइनर है, और मैं इसको अप्लाई करूंगी अपनी टूथपिक की यहाँ कॉर्नर पे, ठीक है। और फटाफट आपने इसके साथ लाइनर लगाना है ताकि ये ड्राई ना हो जाए, बंद करो। यहाँ पर आप इस तरह से लाइन लगाओगे इस तरह से, और आप इसको इसी तरह से खींचते हुए आईज के साथ अप्लाई कर दोगे। देखो आप कितना मजे का और कितना खूबसूरत लाइनर हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, और इतना आसान मेथड है इस लाइनर को अप्लाई करने का। सेम मेथड को यूज करते हुए आप स्ट्रेट लाइनर भी अप्लाई कर सकते हो, आप लिफ्ट लाइनर भी अप्लाई कर सकते हो, आप सेमी लिफ्ट भी अप्लाई कर सकते हो, और आप हाई लिफ्ट भी अप्लाई कर सकते हो सेम टेक्निक को यूज करते हुए। बस आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपर लैश लाइन के साथ एक बारीक सी लाइन लगानी है, फिर आपने अपने मॉडल के आईज को ओपन करके चेक करना है कि वो लाइन लगाने के बाद कितना हिस्सा आईज का जो है वो बच रहा है। जैसे कि अभी आईज खोलती है ना अपनी, तो इनके आईज के ऊपर ये जो क्रीज लाइन के नीचे वाला इतना इतना एरिया है ना, ये है अवेलेबल है। अगर मैं इससे भी मोटा लाइनर चाहूँ ना, तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं अप्लाई करूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली हमें मेकअप वगैरह भी करना है, तो मेकअप भी नजर आना चाहिए ऑब्वियसली। तो यहाँ पर हम जो है वो बारीक सी लाइन लगाएंगे, फिर उसके बाद आईज खोल के चेक करेंगे, और फिर इस लाइनर को थोड़ा सा थिक करना चाहते हैं तो थिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से इस लाइनर की लाइन को थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके जाएंगे, विंग को खींचना है उस हिसाब से कि आप लिफ्ट लाइनर लगा रहे हो, स्ट्रेट लगा रहे हो, लिफ्ट लगा रहे हो, या हाई लिफ्ट लगा रहे हो, जिस टाइप का भी लाइनर लगा रहे हो उस हिसाब से आपने इसका विंग खींचना है, और फिर उस विंग को कॉर्नर से लेके आना है और अपनी अपर लैश लाइन वाली लाइन के साथ मिला देना है, एंड दैट्स इट। इतना मजे का लाइनर जो है ना वो आपका बन जाएगा। और जी आज का क्वेश्चन मेरा आप लोगों के लिए ये है कि आप लोगों ने मुझे बताना है कि आईलाइनर की कितनी टाइप्स होती हैं और कौन कौन सी हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने जरूर बताना है। होप सो कि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। इसके साथ ही मुझे इजाजत दे, दुआ में याद रखें, मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।